कि हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। भारत देश की बेटी तेरी बहादुरी को सलाम। बता दे कि झारखंड की एक बच्ची का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छठवीं में पढ़ने वाली लड़की के सवाल सुनकर हर कोई हैरान है। लड़की चुनौती देते हुए पूछ रही है कि क्या केवल डीसीजी और एसपी के बच्चे पढ़ेंगे, मजदूरों के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। मेरे माता पिता मजदूर के साथ धरना दे रहे हैं, इसलिए मैं भी धरना देने आई हूँ। मैं प्रधानमंत्री की बेटी नहीं हूँ जो मुझे तकलीफ नहीं होगी। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। पापा पर ये झूठा मुकदमा पर केस हुआ या केस वापस मिलेगा तब तक मैं यही रहूंगी। मेरे पापा मुकदमा हुआ है तेरे पापा? मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा एसपी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या समा पर भी नहीं? तुम भी धरने पर आई हो, तुमको क्या कष्ट हो गया? हम लोगों को यही कष्ट है, जो मजदूर को कष्ट है वो हमको भी कष्ट रखे। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? सिक्स क्लास में। पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? यानी ढीबरा बंद हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई भी बंद हो गया? यहाँ तक खाने के पैसे नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? हम लोग अपना पेट पालेंगे तो पढ़ेंगे। तुमको कभी डीसी साहब बुलाए कि तुम बैठी हुई हो आओ बात करो? नहीं, पढ़ाई आज तो चिल्ला चिल्ला के बोले लेकिन डीसी साहब पास से गुजर के गए लेकिन यहाँ तक देखे भी नहीं। खिड़की शीशा गाड़ी का शीशा खोल कर ही नहीं देखे तो वो हमको बुलाएंगे। यार मेरे पापा पर ये झूठा मुकदमा पे क्या सुवारी है केस वापस मिलेगा तब तक मैं यही रहूंगी। क्या मुकदमा हुआ है तेरे पापा पर? मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा एसपी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या और मेरे अंकल को भी जेल भेज दिया गया। क्या पुलिस केस तक जांच नहीं करेगी? सबको अंदर ले जाएगी। हम लोग भी रोज जांच करेंगे। हम लोग भी अंदर चल जाएंगे सभी को जेल भेजेगी। तो क्या मांग है तुम्हारा, क्या होना चाहिए? यही अब हम लोग का मांग है कि ढीबरा जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम लोग धरने की चौथा दिन है और जब तक ढीबरा चालू नहीं होगी तो हम लोग यहाँ चार महीने तक के भी रह सकते हैं। यही जमे रहेंगे? हाँ। वो बात मनवा के ही जाओगी? हाँ। तब पढ़ाई तुम्हारा चालू होगा? जब ढीबरा चालू होगा तब हमारा पढ़ाई चालू होगा। ओ, कौन स्कूल में पढ़ती है? SSGM। SSGM में कहाँ है स्कूल? हम घर के बगल में ही है हमारा स्कूल। सिर्फ हम नहीं पढ़ने जा रहे, बाकी सब मजदूर के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ेंगे? हम लोग क्या अनपढ़ रहेंगे कि डीसी और एसपी के सिर्फ ऑफिसर बनेंगे पढ़ के? हम लोग इसी तरह अनपढ़ रहेंगे। समा परवीन नाम की इस बच्ची के जवाब देने का अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। दरअसल मजदूरी का काम बंद होने के कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। लड़की दावा कर रही है कि वह पढ़ाई नहीं कर पा रही, दूसरे मजदूरों के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बता दे कि कोडरमा के डोडा कोला गांव की रहने वाली समा की उम्र महज 9 वर्ष की है। परिवार डिबरा स्क्रैप चुनकर अपना भरण पोषण करता है। लड़की ने दावा किया कि उसके पिता पर पुलिस ने झूठा मुकदमा कर दिया और चाचा को जेल भेज दिया है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वह धरने पर रहेंगी। डिबरा स्क्रैप मजदूर संघ की ओर से 28 फरवरी 9 मार्च अपनी मांगों को लेकर उप आयुक्त कार्यालय पर धरना दिया जा रहा था। यह वीडियो उसी समय का है। हमें सभी जनता से इस जाबाज बेटी की सोच की कि हमें भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, कोशिश को आगे बढ़ाने में समर्थन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज़ आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।